उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाहन चोरों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस ने वाहन चोरों पर नकेल कसने के लिए अपना खुफिया तंत्र भी लगा रखा है, लेकिन ये शातिर चोर इतने चालाक हैं कि वो वाहन चोरी कर आसानी से गायब हो जाते हैं। पुलिस चोरी के बाद खाली हाथ मलते रह जाते हैं। बीती रात पुलिस ने चोरी हुई सेंट्रो कार को दो चोरों को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या मामला है गलछई का? ये थाना गलछई क्षेत्र अंतर्गत दो व्यक्तियों को आज थाना गलछई की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना गलछई से लगभग एक माह पूर्व एक सेंट्रो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसके बरामदगी के संबंध में टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही थी। इस संबंध में कल थाना गलछई की पुलिस को सफलता प्राप्त हुई, जो कि गाड़ी चोरी हुई थी उसके कुछ पार्ट्स एक कबाड़ी की दुकान से बरामद हुए हैं छापेमारी के दौरान। उस कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ पर पता चला है कि दो चोर गाड़ियों को चोरी करके उसके यहाँ कटवाते थे। पूर्व में भी कुछ गाड़ियों उसके द्वारा काटी गई हैं और गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो विभिन्न जगह सप्लाई कर दिए जाते हैं। इस संबंध में कबाड़ी और उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और जो भी उस गाड़ी के पार्ट्स बरामद हुए हैं वो सब भी कब्जे में ले लिए गए हैं। सर, कितने वाहन अब तक ये क्या करते थे उस वाहन का जैसे पार्ट्स मिले हैं? कबाड़ी से जो अब तक पूछताछ हुई है उसमें संज्ञान में आया है कि जो भी गाड़ी उसे काटने के लिए दी जाती थी वो उसके तत्काल उसे काट के उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो भी उपयोग में आ सकते हैं उनको अलग अलग स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर भेज देता था। सर, जनपद ही गाड़ी उठाते थे या वाहन अंतर जनपद? ये अंतर जनपद या दूसरे जनपदों से भी गाड़ी को लाकर यहाँ पे काटने का कार्रवाई की जाती है। मऊ जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महिला प्रधानों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुई। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त महिला ग्राम प्रधानों को बताया कि अपने अपने ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पात्र लोगों का चयन कर योजना का लाभ दे। यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। अगर परिवर्तन लाना है तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, क्योंकि तो महिलाएं ही सारी समस्याओं से सबसे ज़्यादा रूबरू होती हैं। वही उसकी सबसे बड़ी वाहक उस परिवर्तन की हमारी महिला ग्राम प्रधान हो सकती है। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यशाला आयोजित कई सारे योजनाएं बताइए, कौन कौन सी योजनाएं बताइए उत्तर प्रदेश सरकार की? जहाँ आशा के माध्यम से संचालित, ट्रेनिंग के माध्यम से संचालित, आंगनबाड़ी के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी राज्य सरकार की, वो कन्या सुमंगला योजना, उसके बारे में उन लोगों को बताया गया। वो 1 अप्रैल से लागू हुई है और जो कन्या पैदा होगी प्रथम उसको पैदा होते ही उसका पंजीकरण होगा, फिर उसको पैसा दिया जाएगा उसके खाते में। वो एक खाता खोलना पड़े उसमें जाता रहेगा, फिर बच्चा जब पढ़ने जाएगा फिर उसके खाते में पैसा जाएगा, फिर उसके कहते हैं जब 18 वर्ष हो जाएगा टोटल 15,000 रुपये उस बच्चे के खाते में हो जाएगा, जिससे कि वह बच्चा आगे पढ़ना चाहता है पढ़ाई कर सके या उसके विवाह के लिए आवश्यकता हो, जैसी भी आवश्यकता हो परिवार की उसको। शास्त्री नगर में मकानों के बाहर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर के मामले मेरठ पुलिस ने अपनी जांच कर बताया कि यह मामला एक मकान के लेन देन से जुड़ा है। दरअसल राकेश गुप्ता नाम का व्यक्ति अपना मकान बेचना चाहता था और इसके लिए उनकी कई लोगों से बातचीत चल रही थी। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसने अपना मकान उसको बेच दिया, लेकिन इस जिससे पहले बात चल रही थी कि इस बात से खुश नहीं था और उसका विवाद हो गया था और इस मकान को सस्ते में खरीदने के लिए ये पूरा मामला रचा गया। इस मामले में पुलिस ने राकेश गुप्ता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किसी भी हालात में माहौल को खराब करने नहीं दिया जाएगा। सर, कल एक मामला आया था जिसमें थाना नौचंदी क्षेत्र में शास्त्री नगर है, वहाँ पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, क्या अभी तक उसकी जांच निकला हो गया? सेक्टर 8 शास्त्री नगर थाना नौचंदी के अंतर्गत इस तरह की बात संज्ञान में आई थी, जिसके आधार पर फिर वहाँ पर सीओ भी गए, एसीएम गए, थाना प्रभारी गए और वहाँ पर इन लोगों ने लोगों से बात किया। बाद में शाम को देर शाम राकेश गुप्ता नामक एक सज्जन ने एक एप्लीकेशन दिया कि ये अपना मकान बेचना चाहते थे। मकान बेचने में इनको ज़्यादा पैसा जहाँ मिला वहाँ से इन्होंने बात कर लिया। इस बात पर जिनसे पहले बात हो रही थी उन्होंने नाराज़गी प्रकट किया और 19 तारीख की शाम को जैसा कि इन्होंने एप्लीकेशन में दिया है कि इनसे वाद विवाद हुआ, धमकी इन लोगों के द्वारा दिया गया
और फिर रात ही में पोस्टर, एक ही प्रकार के पोस्टर कई घरों पर लग गए। इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये दबाव देकर फिर मकान लेना चाहते हैं। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें राकेश गोयल बुलंदशहर के थाना गुलावटी में एक बार फिर गोकशी की वारदात सामने आई है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस अब गोकशी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। क्या नाम है और किस पद पर सेवा रहता है आपका? क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक बिधूड़ी नाम है। क्या हुआ यहाँ गुलावटी में? गुलावटी में ये हर वर्ष की तरह, जैसे सावन के पहले, पिछले साल भी सावन के पहले सोमवार को गोकशी हुई थी, 25-30 गायों का कत्ल यहाँ हो गया था। इस शहर की फिजा खराब करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ के मौजूद लोगों ने उसको टाल दिया। आज फिर हमको चुनौती दी है, आज फिर पुलिस को चुनौती दी है कि आज फिर सावन के पहले सोमवार से प्रथम रात्रि को हम गोकशी करेंगे। उन्होंने यहाँ कल रात को, हमारे यहाँ लोग घूमते हैं, कुछ नहीं था, रात को फिर एक गाय काटी है उन्होंने और गाय काट करके यहाँ डाल दी है, ताकि फिर से हिंदुओं को फिर एक उबाल हो, शहर की फिजा खराब हो और यहाँ की पुलिस को चुनौती का आप रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए। पुलिस ने क्या किया? पुलिस आई है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस कह रही है कि हम दबिश देंगे, लेकिन हमने पिछली बार भी जो नाम दिए थे पुलिस उन सबको बंद नहीं कर पाई। उनमें से भी जो मुख्य लोग थे उन सबको बचाया और हमको फिर लग रहा है कि पुलिस हमको आश्वासन दे रही है कि हम उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो मुख्य लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसको ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है यहाँ गोकशी क्यों हो रही है? कौन लोग हैं जो गोकशी करा रहे हैं? यहाँ के कसाई हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो थाने में दलाली कर रहे हैं, कुछ लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है और वो इस काम को कर रहे हैं। जो यहाँ के मौजी लोग हैं, जो नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, उनके संरक्षण में यहाँ गोकशी हो रही है, वो यहाँ गोकशी करा रहे हैं। योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी सरकार से हमारी मांग यही है कि भाई हम अपना काम करेंगे। जैसे पिछली बार शाना में एक घटना हुई थी तो हमारे खिलाफ मुकदमे, फिर हमारे खिलाफ मुकदमे, हमें कोई इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन गौवंश की खातिर, गाय की खातिर हम सड़कों पर उतरेंगे। जब तक गौकशी नहीं रुकेगी तब तक हम लोग अपने आंदोलन अपनी वो जारी रखेंगे। मोटा बता दो आप, यहाँ एक गाय के अवशेष मिले हैं और उसका पोस्टमार्टम के लिए उसका सैंपल ले लिया गया है, विधिक कार्रवाई उसमें संबंधित थाने में जाके की जाएगी। सर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ गौकशी करा रहे हैं, पुलिस पे भी संदेह जता रहे हैं लोग। देखिए जो भी आरोप लगा रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन लोग हैं ऐसे जो गौकशी करते हैं, तो पूरी तरह से विधिक कार्रवाई। खुशीनगर की बात करते हैं, जहां संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा श्री शंभूनाथ तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान समय में दुनिया में मानव एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहता और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। धर्म के नाम पर रक्तपात हो रहा है, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि दुनिया में नाम ऊंचा करना और पदवियों को प्राप्त कर लेने से वह सुखी नहीं हो सकता।